everyone, how are you all? I hope you all are doing well and you all are safe. And hi, my name is Bhavna and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I am gonna try out different wigs and hair accessories from Amazon. So मैंने ना सोनिया गर्ग का वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने मीशो से बहुत सारी विग्स वगैरह हेयर विग्स मंगाई थी एंड आई वॉज सो मच इंस्पायर्ड बाय दैट. सो मैंने सोचा चलो हम अमेजोन से ट्राई करते हैं एंड मेरे को इतने कूल एसेसरीज मिली है ना. सो आई एम गोइंग टू शो यू ऑल दिस इन टुडेज वीडियो एंड प्लीज़ पूरी वीडियो देख लेना बिकॉज आई थिंक तुम लोग को कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा भी पसंद आने वाली है. सो नाउ एनफ ऑफ दिस ब्लैबरिंग, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस शॉर्ट बॉब विग विथ बैंग्स एंड मैं ना साइड में पिक्चर डाल दूंगी बिकॉज आई नो ऐसे क्लियर नहीं होगा कि ये असली में कैसा लग रहा है. एंड यू नो ये वाला हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा, अगर आपने होटल ट्रांसिल्वेनिया एनिमेटेड मूवी देखी है उसमें जो वो लड़की होती है ना उससे इंस्पायर्ड है बिकॉज बिल्कुल सेम लग रहा है. एंड मैंने भी नया हेयर कट कराया था ना तो ये ऑलमोस्ट मेरे हेयर कट से बहुत ज़्यादा सिमिलर है. सो इज अ क्लोजअप फॉर यू गाइज. एज यू गाइज कैन सी ये पूरा शॉर्ट बॉब है एंड यहाँ पे तुम्हें बैंग्स मिल जाएंगे एंड ये बहुत ईजीली ना तुम इसको वेयर कर सकते हो. यहाँ पे ऐसा नेट वाला चीज़ है जिसको आपको बस अपने सर पे डालना है. सो नाउ लेट्स ट्राई इट आउट. एज आई टोल्ड यू बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है यार ये विग्स वगैरह पहनना ना, सीरियसली. लाइक ओके वी आर प्रीटी मच क्लोजर. ये विग वैसे बहुत इजीली मैंने पहन लिया बट मेरा फेस नहीं दिख रहा बिल्कुल भी. सो ये जो बैंग्स है ना ये बहुत ज़्यादा, मतलब अगर तुम्हारा फेस बड़ा है ना तो सही है ये विग, बट अगर तुम्हारा फेस छोटा है ये पूरा ढक देगा तुम्हारा फेस. मैंने ना इसको साइड से ऐसे कर दिया क्योंकि मेरा चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है. बट अदर देन दैट ये एकदम परफेक्ट लग रहा है एंड बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैंने विग लगा रखा है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स, ठीक है, फ्रॉम द बैक. आई थिंक बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है. तो अभी मैंने इस विग को थोड़ा सा ऊपर करके पहना है ना, अभी एकदम परफेक्ट आ रहा है इसका लेंथ. सो अगर तुम्हारे बाल लंबे हैं और तुम भी छोटे बाल चाहते हो लेकिन काटना नहीं चाहते अपने लंबे बाल, तुम लोग ऐसे विग्स ट्राई कर सकते हो बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है यार एंड रील्स वगैरह के लिए तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है. लाइक मैं इनको ज़रूर यूज़ करना चाहूँगी. अनदर विग दैट आई गॉट इज दिस लॉन्ग हेयर विग एंड आई रियली लाइक द क्वालिटी ऑफ दिस विग. और इसका जो कलर है वो एकदम जेट ब्लैक नहीं है, मेरा कलर हेयर का एकदम ब्लैक है सो वो उससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है. बट इसका जो शेड है वो ब्राउनिश सा शेड है एंड आई रियली लाइक द क्वालिटी. इट वॉज फॉर 649 रुपीज. सो प्राइस तो इनके बहुत ज़्यादा अच्छे थे एंड ऑल्सो हेयर इज द क्लोजअप शॉट फॉर यू गाइस. ये मिडल पार्टीशन है एज यू गाइस कैन सी एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. एंड इसके साथ जो एक प्रॉब्लम है ना वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, इसके बाल इतने ज़्यादा गिर रहे हैं. लाइक अभी भी मैं इसे पकड़ा है ना तब भी गिर ही जा रहा है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है बिकॉज मुझे समझता है जल्दी खलास हो जाएगा. बट चलो मैं अभी इसको ट्राई करती हूँ जल्दी से. Presenting you the सस्ती Kylie Jenner. Oh God, this is so funny. ये बहुत ज़्यादा funny लग रही है. Please don't laugh at me. And मुझे लगा था ये बहुत ज़्यादा natural लगेगा बट ये बहुत ज़्यादा fake लग रहा है and बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. इसीलिए मैं लंबे बाल नहीं रखती बिकॉज सी दिस इज हाउ आई लुक एंड आई थिंक ये बहुत ज़्यादा फेक लग रहा है तो इसीलिए भी अच्छा नहीं लग रहा. ऐसा लग रहा है किसी लड़के ने विग पहन ली होगी. ओके सो अब मैं एक्चुअल रिव्यू देती हूँ, ठीक है, इस हेयर विग का. फर्स्टली मेरे को ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगा बिकॉज यू गाइस कैन ऑल्सो सी दैट. एंड उसके अलावा इसका जो टेक्सचर है ना बहुत ज़्यादा रफ हो रहा है. ऊपर से बहुत ज़्यादा स्मूथ है बट नीचे से बहुत ज़्यादा रफ है एंड हेयर फॉल तो है ही बट या इतना ज़्यादा ये ऐसा परफेक्ट नहीं लग रहा बिकॉज जितना पहला वाला इतना नेचुरल लग रहा था ना उससे तो ये बहुत ज़्यादा अपोजिट है. बट आई थिंक अगर इस हेयर स्टाइल में ना मैं कुछ हेयर स्कार्फ या कुछ भी मतलब हेयर एसेसरीज लगाऊँ तब शायद थोड़ा सा ही अच्छा लग जाए. आई एम गोना ट्राई दैट आउट ऑल्सो.
ओके आई थिंक ये पहले से तो बहुत ज्यादा बेटर लग रहा है बिकॉज इसका जो ये हेयर लाइन था वो भी सबसे बड़ा इश्यू है बिकॉज वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है बट नाउ आई थिंक थोड़ा बेटर लग रहा है बट स्टिल मेरे तरफ से तो आई डोंट थिंक मैं इसको लेना चाहूँगी दोबारा एंड आई माइट नॉट इवन लाइक सजेस्ट यू ऑल्सो बिकॉज बेकार है सो आई ऑल्सो गॉट दिस अनदर लॉन्ग हेयर विग एंड इसका जो पैटर्न है ना सो इट हैज़ दिस कर्टन बैंग्स एंड उसके साथ ही यहाँ पे लेयर्ड वाला हेयर कट है वैसे उतना पता नहीं चल रहा है बट पिक्चर पे वो ही दिखा रखा है इसका सो आई गोना जस्ट ट्राई इट आउट एंड वैसे मैं अगर बोलूँ ना इसके जो ये हेयर कट टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा रफ है अभी मैंने इसको कॉम तो किया नहीं है सो देखते एक बार कॉम करके भी पहले मैं इसको वेयर कर लेती हूँ अगर दिस इज द फाइनल लुक एंड मैंने ना ये इतने बार कॉम करने की कोशिश की बिकॉज ये इतना ज़्यादा रफ है इसका टेक्सचर बट स्टिल ये ऐसा ही है आई गेस मुझे एक बार इसको वॉश करना पड़ेगा शैम्पू से तब शायद ये अच्छा हो जाए एंड उसके अलावा ये मेरे फेस से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है मेरे फेस पे बिकॉज इसके जो ये बैंग्स है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं मेरा फेस पूरा कवर हो जा रहा है इससे जैसे वो ईमो वाला हेयर स्टाइल नहीं आया था बहुत टाइम पहले और आपको बस ऐसे काजल लगा के ऐसा पोज देना है बस उतनी देरी है बिकॉज ये वैसा ही लग रहा है आई थिंक अगर तुम्हारा फेस बड़ा है और तुम्हें मतलब अगर तुम पे ऐसा हेयर स्टाइल सूट करता है ना तो तुम ट्राई कर सकते हो वैसे तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बिकॉज मेरे बालों में अच्छे से बैठ भी नहीं रहा है मैं इसको बार बार मुझे उसको मैनेज करना पड़ रहा है तो एंड इसकी जो लेंथ है वो इतनी ज़्यादा लंबी है वैसे काफ़ी अच्छा लगता अगर ये मेरे फेस से मैच करता एंड द लास्ट विग दैट आई गॉट इज दिस शॉर्ट हेयर विग एंड ये ना पूरे स्ट्रेट हेयर है सो मैं अभी सामने से दिखाती हूँ दिस इज द मिडल पार्टीशन एंड ये पार्टीशन काफ़ी ज़्यादा नेचुरल भी लग रहा है और जो ये हेयर है ना बहुत ज़्यादा स्मूथ है ट्रस्ट मी ये बिल्कुल भी कहीं से ऐसे रफ से नहीं हो रहा है इवन तो मैंने इसे कॉम भी नहीं किया है स्टिल एंड दिस माइट लुक क्रीपी टू सम ऑफ यू बिकॉज आई नो दैट बिकॉज मुझे भी बहुत अजीब सा लगता है जब मैं ऐसे बाल देखती हूँ कि किसके बाल है घर के एंड या लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट नाउ ओके सो दिस इज हाउ इट लुक्स एंड ये ना वैसे काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है मैं अगर इसको ऐसे साइड से ना ऐसे करके वेयर करूँ तो ये और भी ज़्यादा नेचुरल लग रहा है ना सो मेरे को एक जो प्रॉब्लम लगी ना इन सारे विक्स के साथ वो ये है कि ये इनका जो हेयर लाइन है अगर तुम्हारा बड़ा फोरहेड है ना उस पर ये ज़्यादा अच्छे से बैठेगा बिकॉज मेरा फोरहेड बहुत ज़्यादा छोटा है एंड इसीलिए ना ये थोड़ा सा इशू हो रहा है उसकी वजह से सो वो तुम देख लेना अगर तुम्हारा फोरहेड बड़ा है ना तुम लोग इनको ट्राई कर सकते हो ये मुझे अमेजोन से बस 699 रुपीस का पड़ा एंड इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर है इनफैक्ट ऐसा कुछ हेयर फॉल भी नहीं हो रहा है जब मैं इसको कॉम भी कर रही हूँ ना बिकॉज आजकल जो विक्स आते हैं ना अच्छी क्वालिटी के वो ऑलमोस्ट 2000 के ऊपर आते हैं सो ये तो बहुत सही रेट था जब आई गॉट दिस हेयर बन सो ये जो हेयर बन है ना ये बेसिकली हेयर एक्सटेंशन है विथ अ रबर बैंड सो इसको आप बहुत इजीली अपने हेयर्स पे या फिर बन में टाई कर सकते हो एंड ये वाले हेयर बन बहुत इजीली किसी भी कॉस्मेटिक शॉप में भी तुम्हें मिल जाएंगे आई नो दैट बट मैं एक डेडिकेटेड वीडियो कर ही रही थी तो मैंने सोचा मैं इसको भी ऑर्डर करके देख लेती हूँ एंड आई रियली रियली लाइक इट ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सो इसका प्राइस वॉज 175 रुपीज विच आई थिंक इज वेरी लेस एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड आई रियली लाइक दिस होल मेसी थिंग गोइंग ऑन सो वैसे तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा छोटे हैं बट स्टिल वी आर गोइंग टू ट्राई इट आउट कि कैसे लगता है ठीक है सो सबसे पहले मैं इसको नॉर्मली रबर बैंड से बांधूंगी सो ये छोटी सी चोटी हो गई है अब मैं इसके ऊपर इसको टाई करूंगी ओके सो दिस इज द फाइनल लुक आई थिंक ये अच्छा लग रहा है बिकॉज मुझे फील हो रहा है इवन दो मैं देख नहीं सकती कि कैसा लग रहा है बट स्टिल दिस इज हाउ इट लुक्स एंड ये बहुत इजी था एंड अगर आप लोग को ना बन बनाते हो एंड आप लोग मैसी बन बनाना ट्राई करना चाहते हो बट आपसे हो नहीं रहा है आप इसको यूज करके इजीली ना मैसी बन क्रिएट कर सकते हो सो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है एंड द लास्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस
फेक पोनी टेल। मैंने ना इतने लोगों को देखा है ना इस टाइप के फेक पोनी टेल यूज करते हुए, एंड मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। इवन दो मेरे बाल बहुत ज्यादा छोटे हैं इनको यूज करने के लिए, बट स्टिल आई एम गोइंग टू शो यू कि तुम इसको कैसे यूज कर सकते हो। फर्स्टली दिस इज हाउ इट लुक्स। सो इसका जो कलर है वो तो बिल्कुल भी मेरे हेयर से मैच नहीं करता, ये बहुत ही ज्यादा ब्लॉन्ड हेयर कलर है। एंड आपको ना ये ऐसा मिल जाएगा जिसको आपको अपनी पोनी टेल पे टाई करना है, एंड उससे फिर वो ऐसा ना लुक आ जाएगा पोनी टेल जैसा। अगर तुम ना पोनी टेल बनाते हो और तुम्हें वॉल्यूम चाहिए ना, बिकॉज मैं भी जब पोनी टेल बनाती थी मुझे बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं मिलता था, सो तुम लोग इसको यूज कर सकते हो बिकॉज ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। सो लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट फर्स्ट। ओके, ये मेरे बालों में बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है बिकॉज मेरे बाल है ही नहीं अभी। सो या दिस इज हाउ इट्स गोना लुक, एंड आई थिंक ये बहुत कूल लग रहा है बहुत ज़्यादा। मेरे को ऐसे वाले पोनी टेल हमेशा से चाहिए था। सो या जस्ट आइडिया ले रहे हो तुम लोग कि ऐसा लगेगा, ठीक है। अगर तुम्हारे बाल बड़े हैं ना तुम लोग इसको ट्राई कर सकते हो, अगर तुम्हारे बाल छोटे हैं मेरे जैसे मत लेना बिकॉज बिल्कुल भी ये टिकने नहीं वाले। मैंने भी इसको ऐसे पकड़ रखा है। सो या So this were all the things that I got from Amazon, and this was all for today's video. I hope you people found this video useful. If you did, please make sure to hit the like button, and I'm going to see you soon in my next video. Until then, stay safe, take care, bye bye.